अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है छोटी सी वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो भी समझिए आप, क्योंकि ये कभी बाई चांस किसी भाई के कबूतरों के साथ ये दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। वीडियो देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ आपने कई वीडियो देखी भी होंगी इसकी। अगर ना देखी हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं और कर सकते हैं अगर कबूतर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो वीडियो यह है कि कबूतर कभी भी पकड़ने की वजह से उसका कबूतर का पर जो है फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, अंदर को दब जाए या ऊपर को मुड़ जाए, तो उसको सीधा कैसे करें। बाई चांस ऐसा होता है कि इस पर को अगर हम अपने हाथ से सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो और ख़राब हो जाता है, टूट भी जाता है, जिसकी वजह से फिर वो कबूतर किसी काम का नहीं होता, उड़ाने लायक नहीं होता। अगर बाजी के टाइम जैसे रात में हम पानी वगैरह देते हैं कबूतर को ना, उस टाइम अगर कबूतर का पर इस तरह कंडीशन में आ जाए, पर मुड़ जाए, ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही मुड़ जाए, तो उसको सीधा कैसे करें। तो ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रूरी है इसको देखना। बाई चांस ऐसा हो जाए तो आप पर को सीधा कर सकते हैं, चाहे कितना ही फोल्ड है, कितना ही मुड़ा हुआ है, उसको आप सीधा कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो है, तो वीडियो के साथ बने रहे, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह पर सीधा करते हैं कबूतर का। तो दोस्तों, ये आपके सामने अपना एक कबूतर है जिसके पर बिल्कुल मैंने मोड़ दिए हैं अच्छे तरीके से, और इसके बाद आप देखना इसको बिल्कुल सीधा करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ किस तरह ये होंगे। तो देखिए, आप आपको करना क्या है, पानी लेना है। सब में बेस्ट तरीका इसका यह है कि आप एक केतली में पानी ले लें, उसकी जो चो वो जहाँ से उस चाय वगैरह या पानी निकलता है उस जगह से उसकी भाप निकलेगी, बहुत अच्छे तरीके से भाप निकलेगी। भाप जो है ज़्यादा निकलनी चाहिए अच्छे तरीके से, पानी बढ़िया गर्म होना चाहिए। भाप इस परों को लगानी है, भाप, पानी की भाप। तो ये इस तरह पानी की भाप में मैंने इस कबूतर के परों को रखा है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हो ये बिल्कुल सीधे पर हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे हो गए हैं, जिस तरह से इसके पर होते हैं। मुश्किल ये थी कि मैंने भगोनी में पानी गर्म किया था, अगर ये किसी केतली में करता इसकी भाप अच्छे तरीके से निकलती है। आप देख सकते हो इसकी कोई भाप अच्छे तरीके से भाप नहीं निकल रही है इसमें। अगर केतली होती तो इसकी भाप बहुत शानदार निकलती, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी होता। ठीक है, बाकी इस तरह है, इसके पर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तरीके दो तीन तरीके हैं, आप कमेंट्स करना, मैं आपको और दो तीन तरीके से और आपको बताऊंगा, और आसान और अच्छा तरीके से। ठीक है, ये जल्दी जल्दी में मैंने आपको एक वीडियो बना के डाल दी है, तो आप इसके पर देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बिल्कुल सीधे हो गए हैं। पहले आपने देखे होंगे मुड़े हुए बहुत ज़्यादा थे, अब इसके पर जो हैं माशाल्लाह सीधे हो गई हैं। अभी आपको एक पर और सीधा करके दिखाते हैं, इसका दूसरी बाजू का एक पर मैंने और आड़ा कर दिया है, मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया है। तो इसी तरह अगर कभी भी कबूतर के पर फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, तो इस तरह से उसके पर सीधे आप कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। आप दूसरी बाजू का पर आप देखें, बिल्कुल सीधा है। आप अभी देखेंगे इसके पर, दूसरा भी बाजू का जो पर मैंने इसका फोल्ड किया है, मोड़ा है, वो भी इसका सीधा करके आपको दिखाता हूँ मैं भी। ठीक है दोस्तों, ये आप देखें, इसका पर मोड़ दिया है मैंने, ऊपर को ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। आप देखना, इंशाल्लाह ये बिल्कुल सीधा होगा। अगर इसमें मैं ज़्यादा पानी रखता और भाप बहुत अच्छी बनती तो ये माशाल्लाह एकदम बहुत जल्द सीधा होता ये पर। और बाकी माशाल्लाह जब भी ये बहुत अच्छे तरीके से सीधा हुआ है पर, तो कभी भी किसी भी भाई के कबूतर का पर आड़े टेढ़े हो जाए, जो कि हाथ से करना की कोशिश मत करना, क्योंकि पर ख़राब हो सकता है और वो उड़ नहीं सकता। तो माशाल्लाह देखें इसका पर ये भी।